अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है वो एकदम डिलीशियस और हेल्दी होने वाली है, और उसके साथ साथ इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप इजीली बहुत कम टाइम में इसको बना के रेडी कर सकते हैं, मेन कोर्स की तरह खा सकते हैं या फिर साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं। तो हम बना रहे हैं मूंगे की भाजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रमस्टिक लीव्स, और ये बहुत ही रिच है आयरन, कैल्शियम और बोन डेंसिटी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। बढ़ते हुए बच्चों को आप ज़रूर खिलाइएगा, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/3 कप ग्रीन मूंग लिया है, और इसको हम सोक करने के लिए रख देंगे एटलीस्ट 3 से 4 घंटा, और प्रेशर कुक कर लेंगे 2 विजल के साथ और साइड में रख देंगे। अब मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है, और उसमें ऐड करेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां चॉप की हुई। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। जैसे ही लहसुन हमारा ब्राउन होने लगेगा, हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई ऑनियंस। ऑनियन मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की ली है, और सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक हमें प्याज को पकाना है। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने में टाइम लगेगा, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम आराम से इसको स्टिर करते हुए हम भूनेंगे। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने से प्याज थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सब मसालों को एक साथ हम अच्छे से मिक्स देंगे, और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई रेसिपीज अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छी तरह से पक चुकी है, मसालों में भुन चुकी है। तो अब हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे जो मूंग हमने गला कर रखी थी, जो बॉईल करके रखा था, वो अब इस पॉइंट पे ऐड कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें एक अच्छा सा मिक्स देना है। अब हम ऐड करेंगे हमारी ड्रमस्टिक लीव्स, मूंगी की भाजी जो कि हमने पहले से ही अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। भाजी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे, और इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं हमारी भाजी बिल्कुल रेडी है। टेस्ट को और एनहेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ग्रेटेड कोकोनट। कोकोनट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हैं। कोकोनट को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। एक परफेक्ट लंच थाली बना सकते हैं, जिसमें कि हम अभी जो बनाया है वो सब्जी ऐड करेंगे, दाल, राइस, सैलेड और रोटी भी ऐड करेंगे। एक परफेक्ट थाली बनके रेडी हो गई है लंच के लिए। ब्रेकफास्ट में फुलके या रोटी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें।